जय माँ नर्मदा मैया, दर्शन होगा देखिए आज तो। जय माँ नर्मदा मैया, आज एक बार फिर माँ नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए मैं एक बाबा जी मिल गए थे, उनको छोड़ने के लिए ये सेठानी घाट पे आ गया हूँ। बाबा जी नर्मदे हार। नर्मदे। अब दो बातें ज्ञान की आप भक्तजनों के लिए बता दीजिए। सबसे पहले तो अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए जी, और अपने माता पिता पूजनीय हैं जी, और संसार में उनसे बढ़ के कोई चीज नहीं है जी, और कोई भूखा रहता है जी उसको भोजन खिलाना चाहिए जी, और उसकी सेवा करना चाहिए जी, और मनुष्य में अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म से ये कहा जाता है जी कि अपने बड़े और छोटे का आदर करना चाहिए जी। मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ जी। जय नर्मदे। जय नर्मदे मैया, हर नर्मदे। महाराज जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, तो आपके कारण मुझे अभी नर्मदा जी मैया के दर्शन हो गए हैं, नहीं तो मैं तो मेरे काम से आ रहा था। ऐसे मुझे साधु संत लोग मिलते रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे जी। बस यही मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ और माँ नर्मदा जी से आशीर्वाद चाहता हूँ। तो हर हर नर्मदे। महिला को बिस्तर से उठते हुए जी अपने पति के चरण छूना चाहिए जी, इसके बाद में अपने सास ससुर के पैर पड़ना चाहिए, इसके बाद में कुछ भी कार्य करना चाहिए घर में। दूसरी बात कि रात में जो भोजन करते हैं अपन जी, जूठे बर्तन ना छोटे घर में जी, उससे अपने घर में दलद्रित होती है जी, लक्ष्मी नहीं आती जी। इसके बाद में जो झाड़ू से अपन जो झाड़ते हैं जी, वो झाड़ू उत्तर दिशा मुट्ठी रहना चाहिए और दक्षिण दिशा पंखुड़ी रहना चाहिए जी, और झाड़ू को अपनी लुका के रखना चाहिए जी, छुपा के रखना चाहिए जी। और जो आटा अपन लगाते हैं जी, तो रात में जो भोजन बनाते हैं शाम को जी, तो वो आटा बचा के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वो पिंड बन जाता है जी, उससे अपने घर में जी दुख और तकलीफ आती है जी। और अगर अपने पति अगर बीमार है जी, तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए जी, या अपना पति कहीं सर्विस में है तो श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। बस इतनी मैं निवेदन करता हूँ आपसे, सभी माताओं बहनों से, सभी माता बहनों से। तो महाराज जी आपने बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बताई है, तो मैं अपने इस चैनल द्वारा जो कि जिसका नाम है प्रेम मीना नर्मदापुरम, तो सभी लोगों तक ये बात मैं पहुंचा दूंगा, और जिन भाइयों को महाराज जी की बातें अच्छी लगे तो वो शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये बात कैसी लगी है। तो बस मुझे अब आपसे विदा लेना है महाराज जी। हर हर नर्मदे, है ना। जय माँ नर्मदा मैया। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, फिर मिलेंगे। बाबा को विदा करके मैं जा रहा हूँ।